इस ऑब्जेक्टिव शीट में ये कारनोट साइकिल है, कारनोट के अंदर प्रूफ में अभी अभी हमने किया वी ए बाई वी डी इक्वल टू वी बी बाई वी सी, वो मार्किंग कर लेना कौन सी रेशियो किसके इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखें प्लीज। तो इसमें चार डायग्राम्स हैं, आपको बताना है कौन सा आइसो बारिक है और कौन सा आइसो थर्मल है। आइसो बारिक में मैं बताऊंगा जिसका प्रेशर कॉन्स्टेंट है, कौन सा हुआ फोर नंबर, चार नंबर आइसो बारिक है। अच्छा ऑप्शन भी एक है, चलो जी आंसर आ गया। चलो अगर चेक करना हो कौन सा आइसो थर्मल है कैसे करें, ये दोनों एडियाबैटिक या आइसो थर्मल कर्व्स हैं जो टेढ़े के लीनियर तो होते नहीं, स्ट्रेट तो होते नहीं, जिसकी स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक, जिसकी स्लोप कम वो आइसो थर्मल, किसकी स्लोप कम थ्री की स्लोप कम तो ये आइसो थर्मल आंसर। नेक्स्ट ये एक डायग्राम है जिसमें पी वी इज अ कॉन्स्टेंट गिवन है, तो आपको ये डायग्राम पी और वी का गिवन है वन से लेके टू तक, आपको मार्क करना है करेक्ट डायग्राम टी और पी का क्या होगा। मुझे ये बताओ पी वी इज अ कॉन्स्टेंट कौन से प्रोसेस की इक्वेशन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा जब टेम्परेचर या तो सी है या डी है, ठीक हो गया। अब सी और डी में से कैसे सिलेक्शन करेंगे, प्रेशर, प्रेशर वन से टू क्या हो रहा है डिक्रीज, तो प्रेशर वन से टू देखो क्या हो रहा है डिक्रीज, तो ये बनेगा ये नहीं बनेगा क्योंकि वन से टू इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज, ये बनेगा। समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। नेक्स्ट वन टू थ्री में से पीवी डायग्राम में किसका वर्क डन मिनिमम है, बोलो लॉजिक क्या है, जिसका एरिया मिनिमम है, सबसे एरिया कम किसका है थ्री का, तो थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडल गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट क्यू, तो आइडल गैस है और अमाउंट ऑफ हीट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्यू, ठीक है। इफ एडियाबैटिक कॉम्पोनेंट इज गामा देन फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन रेजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्मिंग द वर्क डन, तो मुझे फ्रैक्शन निकालनी है इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो डेल्टा यू बाय डेल्टा डब्ल्यू निकालना है। डेल्टा डब्ल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो से डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू पुट कर लिया, अब वैल्यूज पुट करें इसमें, डेल्टा यू जहां भी दिख जाए वहां ना बस कसम खा लो कि मैंने सीवी ही यूज करना है, सोचना ही नहीं पूछना ही नहीं मेरे से कि सर क्या यूज करें सीपी की सीवी, डेल्टा यू में हर हालत में सीवी ही लगेगा, तो एन सीवी डीटी एन सीवी डीटी और डेल्टा क्यू में एन सीपी डीटी, तो यहां से क्या बचा सीवी अपॉन सीपी माइनस सीवी, तो यहां से सीवी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लें, सीपी बाय सीवी क्या है गामा, आंसर आ गया। तो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज चेंज फ्रॉम पी वन वी वन टू पी टू वी टू, क्वांटिटी विच रिमेन सेम, अब भाई ए से बी जाओगे तो डेल्टा यू कॉन्स्टेंट है, वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन में डिपेंड करेगा और वैसे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है।
सेवन देखें, मुझे सर ये बताओ इसमें इन चेंजिंग अ स्टेट फ्रॉम एडियाबैटिक, तो पहला प्रोसेस क्या है एडियाबैटिक, कहां से कहां, ए से बी, अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 इज डन ऑन दिस सिस्टम, इंपॉर्टेंट ऑन दिस सिस्टम वर्क डन इज नेगेटिव, केमिस्ट्री में पॉजिटिव, फिजिक्स में नेगेटिव, यहां उलझा लेगा वो आपको, ऑन दिस सिस्टम इसमें नेगेटिव लगाना है ठीक, जब न्यूमेरिकल में लगाओगे। अब साइन कन्वेंशन यूज करनी है क्योंकि इसमें वैल्यूज तो पुट है नहीं, वो तो ऑन दिस सिस्टम बाय दिस सिस्टम से करेंगे। तो इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी वाई अ प्रोसेस इन विच नेट हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इन 9.35 कैलोरी, तो दूसरा केस क्या है एडियाबेटिक है, पता नहीं क्या है, बोला ही नहीं कुछ, पहला एडियाबेटिक है, दूसरा पता नहीं क्या है। तो हाउ मच इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ये बताओगे दोनों प्रोसेस में क्या चीज सेम रहेगी, डेल्टा यू, क्यों आप ए से बी जा रहे हो, पहले एडियाबेटिक में, दूसरे पता नहीं किस प्रोसेस से, पर इनिशियल फाइनल स्टेट तो सेम है, तो डेल्टा यू की वैल्यू दोनों में सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, तो डेल्टा यू सेम है, पहला प्रोसेस एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक देखते ही डेल्टा क्यू जीरो, तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, पर क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो यहां पर साइन क्या आएगा नेगेटिव, डेल्टा यू आ गया। फिर ए से बी प्रोसेस में डेल्टा क्यू गिवन है, पर प्रॉब्लम यह है कि ऊपर जूल चल रहा है, नीचे कैलोरी, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो फर्स्ट लॉ लगा दिया, फर्स्ट लॉ में डेल्टा क्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा यू फर्स्ट वाले पार्ट का ही यूज करना है क्योंकि डेल्टा यू दोनों में सेम है, तो सॉल्व करके डेल्टा डब्ल्यू आएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ, एट्थ में 1, 2, 3, वैसे किया भी था ऐसा क्वेश्चन हमने, 1, 2, 3 में मुझे याद है कि आइसोबारिक है और 1, 2, 3 में इनमें से एडियाबेटिक आइसोथर्मल होगा, अच्छा गिवन ही है, 1 आइसोबारिक है, 2 प्रोसेसेस आइसोथर्मल, 3 इज एडियाबेटिक, डेल्टा यू चेंज ऑफ एनर्जी है, किसमें ज्यादा किसमें कम, एक आंसर मैं दूंगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल डेल्टा यू जीरो, तो सबसे कम आइसोथर्मल, कौन आइसोथर्मल प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 2 की सबसे कम होनी चाहिए, किधर है, नहीं नहीं नेगेटिव हो सकती है सच, वो भी चेक करना पड़ेगा, डेल्टा यू जीरो तो आ गया, नेगेटिव हुआ तो उससे भी कम हो जाएगी। अब क्या रह गया एडियाबेटिक और आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में देख लें, आइसोबारिक में PV इज इक्वल टू NRT, आइसोबारिक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर सेम है, तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो डेल्टा U पॉजिटिव, सबसे बड़ी तो इसकी है। फिर आइसोथर्मल में ये रही, एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक में क्या प्रॉब्लम है कि डेल्टा Q
इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो सबसे कम एडियाबैटिक, फिर देख लेना कौन सी पॉजिटिव कौन सी जीरो कौन सी नेगेटिव, तो ऐसे आप बड़ा छोटा कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें दो कंटेनर्स है ए एंड बी कंटेनिंग आइडल गैस एट सेम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, गैस ए इज कंप्रेस टू हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम आइसोथर्मली, और दूसरा एडियाबेटिकली रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर निकालना है। तो आइसोथर्मल में की क्वेश्चन P1 V1 P2 V2, तो P2 की ये वैल्यू आ गई, और वॉल्यूम अगर इनिशियल V1 है तो फाइनल क्या है V1/2, तो नया प्रेशर आ गया, आइसोथर्मल की कंडीशन लगाई प्रेशर आ गया, एडियाबेटिक में ये फॉर्मूला लगाया, P2' की वैल्यू आ गई, V2 की जगह V1/2 आ गया, V1 कैंसल 2 की पावर गामा आ गया, फिर ये नया प्रेशर आइसोथर्मल में, नया प्रेशर एडियाबेटिक में, दोनों को डिवाइड करके आंसर मार्क करना है। मेथड समझ में आ रहा है? वैसे मेंस में आई हुई प्रॉब्लम है, उसमें कुछ और तरीके से आई थी पर मिलते सेम ही है। अच्छा सिमिलर होगा, वह कहने का मतलब कि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, मैं अपलोड कर दूंगा इस ड्राइव पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक आइडल गैस है, देखो साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी ए एंटी क्लॉकवाइज है, इफ नेट हीट सप्लाई टू द गैस इन साइकिल इज 5 जूल, पूरे साइकिल में हीट डी क्यू गिवन है, सप्लाइड का मतलब डी क्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, गैस को हीट मिली है तो पॉजिटिव, सप्लाई की गई है तो पॉजिटिव, वर्क डन बाई द गैस इन द प्रोसेस सी टू ए, तो सी से ए का वर्क डन निकाल लेते हैं, पहले माइनस में क्या आता है इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम है, इसका एरिया निकालते हैं आंसर आएगा, एरिया में फिगर क्या बनेगी, एरिया में ट्रेपेजियम, ओके सी से लेके ए तक कहां बनेगी, ये बनेगी, हाँ या ना, ना, क्योंकि पीवी डायग्राम नहीं है वीपी डायग्राम है तो ये बनेगी, ये बनेगी, उल्टा एक्सेस कर दिया उसने, ठीक ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समझ में आ रहा है, यहां तक पीवी में नीचे बनती है, मतलब वॉल्यूम एक्सेस पे बनानी है जब बनानी है, ठीक है यहां तक। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो एरिया निकालते हैं, एरिया में ये पता है ये पता है, अब प्रॉब्लम है एरिया में ये नहीं पता, वन है ही नहीं, वन है ही नहीं, वन से ऊपर है, या तो अप्रोक्सीमेशन यूज करो या फिर कोई और मेथड चेंज करो, तो एरिया से बात बनने वाली नहीं है, तो पक्की हो गई, सी से लेके ए तक अगर आपको वर्क डन निकालना है तो पहले काम करो, आप इसमें दिया क्या हुआ है, पूरे साइकिल में हीट प्लस 5 है और हमें सी ए में कैलकुलेट करना है, आप एक काम करो पूरे साइकिल के ऊपर फर्स्ट लॉ लगा दो, मैं ये नहीं कह रहा सी ए के ऊपर लगाओ, सी ए पे भी लग सकता है, पूरे साइकिल पे लगा दो, पूरे साइकिल पे डेल्टा क्यू गिवन है, डेल्टा यू जीरो है साइक्लिक है, डेल्टा डब्ल्यू में क्या आएगा, वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी ए, तीनों का वर्क डन आएगा अलग अलग करके, लेकिन ये जो बी सी है उसका वर्क डन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि आइसो
वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें, ऐसे बनेगा। तो बचा क्या मेरे पास, सी से ए बचा, ए से बी बचा। तो ये देखो डेल्टा क्यू, तीन वर्क डन और डेल्टा यू जीरो। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, डेल्टा डब्ल्यू सी ए, ये निकालना है। तो मुझे ये पता है डेल्टा क्यू इधर आ गया, डेल्टा ए बी आ गया, क्योंकि बी सी का वर्क डन अभी हमने कैलकुलेट किया तो जीरो ही है। तो मेरे को डेल्टा क्यू पता है, वर्क डन ए बी का, देखो ए बी का वर्क डन मुझे निकालना आता है, ये ए बी है, ए बी इसके अंडर एरिया, इसके अंडर ये एरिया। प्रॉब्लम है इसमें भी, अप्रोक्सीमेशन ही करना पड़ेगा कोई और तरीका है ही नहीं, फिर तो पहले ही कर लेते, फिर तो पहले ही कर लेते। तो लगाओ अप्रोक्सीमेशन, देखना तो सीधा ही एरिया निकालना है इसका क्या आएगा, इसका एरिया, क्योंकि बात नहीं बन रही इसका एरिया में। टू तो ठीक ले लो, अब टू से ये मान लो 1.5 है, तो 1. क्या लोगे, 1.2 लोगे, 1.2 के आसपास ले लो। क्या आंसर आ रहा है चेक करना अप्रोक्सीमेशन से, फिर सीधे ही कर दो यार। सी ए का निकालना है अगर, फिर तो ऐसे करो सी ए का निकाल दो, ये लो निकालना जरा, इसका वर्कडन क्या आएगा, इसका वर्कडन क्या आएगा, अगर मैं इसको 1.3 या 1.2 लेता हूं, हाफ इंटू दिस साइड प्लस दिस साइड इंटू दिस, ये 1.2 के आसपास लो जरा, कितने आसपास आ रहा है इसका एरिया, पांच के आसपास आ रहा है। तो छोड़ो यार इतना लंबा किया क्यों है, अप्रोक्सीमेट करना है, उठा के अप्रोक्सीमेट वैसे ही कर दो, 6-7 के आसपास आना चाहिए, 6-7 यार अप्रोक्सीमेशन में डिपेंड करता है तुमने क्या, 6 के आसपास आ रहा है तो -5 कर दो, कंप्रेशन है, वर्कडन वैसे ही नेगेटिव आना है, ये तो हो नहीं सकता आंसर, 20 के करीब आएगा नहीं, रिप्रेजेंट का एरिया चेक कर लो, तो इसके बीच में देख लो, तो अप्रोक्सीमेट जाएंगे और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। बट समझ में आ रहा है कि इसमें एक्सिस भी चेंज हो गए तो एरिया नीचे की बजाय एरिया साइड पे निकलेगा, ठीक है यहाँ तक। तो एक बार ट्राई करना, और कोई तरीका है नहीं इसमें, जैसे ये इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। पता ही है सीपी बाय सीवी गामा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मास ऑफ अ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी टू टू वी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होगा, क्या निकालनी है, चेंज इन डेल्टा यू निकालना है। अब वो कह रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर है, ये क्या बात बनी, डेल्टा यू निकालना है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है। हाँ तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर से भी जो डेल्टा यू निकलता ही है, डेल्टा यू जब भी निकालना है हमेशा सी वी ही लगाना है, बात ही खत्म। तो डेल्टा यू में एन सी वी डी टी। अब याद करो केटीजी में सीवी को लिखना सिखाया था आर बाई गामा माइनस वन, सीपी का फॉर्मूला था आर इंटू गामा बाई गामा माइनस वन, और सीवी का फॉर्मूला आर बाई गामा माइनस वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि गामा माइनस वन तो आ गया, क्योंकि मुझे पता था सीवी को गामा माइनस वन में लिख सकते हैं, पर पी वी नहीं आया, एन आर डेल्टा टी की जगह पी डेल्टा वी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन आर डेल्टा टी पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या है, टू वी माइनस वी आंसर अब आएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, हमें आता था एन आर टी में, उसको ऑप्शन किस में पूछा उसने, पी वी में। तो गामा ये सी वी की वैल्यू पुट करते हुए, पी डेल्टा वी में डेल्टा वी की वैल्यू पुट करते हुए आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे पी एन आर टी को डेल्टा पी डेल्टा वी में कन्वर्ट किया, प्रैक्टिस आएगा, सब कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको हिंट तो दे सकता हूँ कि ये इस टाइप से टाइप को करना है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा एक बार, ठीक है।
इससे पहले की असाइनमेंट नंबर जो थी 60 एवर वो देख लेते हैं पहले, ये तो नहीं थी, यही पहले होनी चाहिए थी, पहली कौन सी है, है ना 60, ये थी, ठीक है, बहुत आसान है ये। ए से लेके बी पे जा रहे हैं, तीन अलग अलग रास्ते हैं। क्वेश्चन है किसका वर्क डन ज्यादा, किसका मिनिमम, मिनिमम किसका होगा, जिसका एरिया सबसे कम होगा। किसका एरिया कम है, ए डी बी का सबसे कम है, तो ए डी बी का एरिया मिनिमम और वर्क डन भी मिनिमम है, सिंपल प्रोसेस है। इसका वर्क डन निकाल दो, क्या निकालने, साइक्लिक प्रोसेस के अंडर एरिया क्या होता है वर्क डन, तो क्या होगा इसका एरिया प्रेशर इनटू वॉल्यूम, सही है। थर्ड, नेट वर्क डन निकालना है, तो क्या होगा एक साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, एरिया इनसाइड अ साइकिल, तो निकाल देना शेडेड एरिया ए सी बी डी ए, ये रहा ए सी बी डी ए, इजी है ये भी, क्लियर है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है फोर्थ में, किसका वर्क डन ज्यादा किसका कम, जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, सबसे ज्यादा एरिया वन का, वन के अंडर एरिया ज्यादा, तो वर्क डन वन का ज्यादा, फिर टू का, फिर थ्री का, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, क्लॉकवाइज का पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव, तो इस सर्कल का एरिया पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, और नेट में पॉजिटिव एरिया बड़ा है नेगेटिव से, तो ओवरऑल पॉजिटिव इज द आंसर। नेक्स्ट, आंसर गलत है इसका, वैसे लिखा हुआ प्रेशर पी वन बढ़ा है कि पी टू बढ़ा है, मुझे लगता है पी वन बढ़ा है, हम ऐसे नहीं करते, एक लाइन खींच लेते हैं कॉमन लाइन, कॉमन लाइन में क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी, टेम्परेचर आर और एन तो कांस्टेंट है, तो जिसका वॉल्यूम बढ़ा, देखो इसका वी टू का वॉल्यूम बढ़ा है वी वन से, तो जिसका वॉल्यूम बढ़ा वहां प्रेशर कम, तो ये प्रेशर कम है और ये प्रेशर ज्यादा, तो पी वन बड़ा होना चाहिए पी टू से, ठीक समझ में आ रहा है यहां तक, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में आपको एक लाइन खींच के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ये फिगर है ए और बी का, डेल्टा क्यू वन डेल्टा क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन टू केसेस, तो आपको ये बताना है कि डेल्टा यू तो देखते ही पता लगता है कि डेल्टा यू दोनों में, ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों में से आंसर है, क्योंकि ए से बी जाने पर डेल्टा यू की वैल्यू दोनों में क्या आनी चाहिए सेम। अब डेल्टा क्यू की बात करते हैं, डेल्टा क्यू सेम हो ही नहीं सकता यार, एक आइसोथर्मल एक हो ही नहीं सकता, तो मैं तो सॉल्व भी नहीं करना इसका, तो आंसर ये बनता है, मतलब डेल्टा क्यू भी सेम हो गया है, डेल्टा यू भी सेम हो गया, फिर तो वर्कडन भी सेम हो गया, और वर्कडन सेम कहाँ में दिख रहा है आपको, तो ये तो सॉल्व भी नहीं करना है, इसका आंसर ही सीधा डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9,
बॉल, अच्छा एक और चीज, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, पहले ये नोट कर लें अपने फॉर्मूला बुकलेट में। थर्मल कैपेसिटी में देखो जो डेल्टा क्यू होता है वो क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज एम सी, इसी को बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। ये नोट कर लें प्लीज, थर्मल कैपेसिटी गिवन है तो यानी कि एम सी की वैल्यू गिवन है, ये थर्मल कैपेसिटी है। हो सकता है आईसीएसई में होता होगा, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट नहीं है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट को थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लें, ठीक है। तो अब इसमें एक बॉल है जिसकी थर्मल कैपेसिटी गिवन है और एक फर्नेस में डाल दी, तो जो टेम्परेचर फर्नेस का होगा वही बॉल का हो जाएगा। इट इज देन ट्रांसफर्ड इनटू अ वेसल कंटेनिंग वाटर, पानी में डाल दिया, पानी के अंदर 200 ग्राम पानी है, टेम्परेचर ऑफ द वेसल और कंटेंट 10 से 40 हो गए, पानी तो हो गया गर्म बॉल डालने पे, बॉल हो गई ठंडी, तो आपको फर्नेस का टेम्परेचर निकालना है। तो अगर फर्नेस का टेम्परेचर टी है तो बॉल का टेम्परेचर भी टी है, पानी अगर 10 से 40 पे आ गया तो बॉल भी वहां से टी से 40 पे आ गई होगी, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो हीट लॉस्ट बाय बॉल, बॉल ने कितनी हीट लूज की, एम सी टी माइनस 40। हीट गेन्ड बाय पानी, पानी ने क्या हीट की, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट और चेंज ऑफ टेम्परेचर 40 में से 10 किया। तो आपको ये मास ऑफ वाटर पता है, स्पेसिफिक हीट वाटर की पता है, एम सी का प्रोडक्ट पता है, टी की वैल्यू आएगी। तो कैलोरीमेट्री जो हमने किया था स्पेसिफिक हीट उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, इसमें कैसे करना है। हीट लॉस्ट हीट गेन्ड सेम प्रोसेस है। ठीक है, होमवर्क लिखते जाओ ये सारे जो बच गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन है कि इसमें ए सिलेंडर कंटेनिंग आइडल गैस एनक्लोज्ड बाय मूवेबल पिस्टन इज समर्ज्ड इन आइस वाटर मिक्सचर, पिस्टन है, द पिस्टन इज क्विकली पुश्ड, मतलब एडियाबेटिक, कहां से कहां, वन से टू कंप्रेशन की एक्सपेंशन, कंप्रेशन नीचे आ रहा है पिस्टन, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए हेल्ड एट पोजिशन टू, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, और फिर स्लोली स्लोली बैक एक्सपेंशन आइसोथर्मल। स्लोली का मतलब आइसोथर्मल, क्विकली का मतलब एडियाबेटिक। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर और वॉल्यूम का। तो सबसे पहली चीज, ए से लेके बी तक कंप्रेशन है, ए से लेके बी तक, ये तो कह रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, हो ही नहीं सकता है, तो ए से लेके बी तक कंप्रेशन है ना, गलत है, ये नहीं हो सकता, ए से लेके बी तक कंप्रेशन है, नहीं हो सकता, तो फिर क्या बच गया, ये बच गया, ए से लेके बी तक कंप्रेशन है, फिर बी पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर एक्सपेंशन है, बना ही एक कहानी लंबी थी, अंदर कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करना है, समझ में आ रहा है, ये आज मिलता जुलता किया, होमवर्क लिखो, ऐसे इक्वेशन यूज करनी है इसमें। ये देखो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन,
इसमें क्या सिखाया था, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन बाय क्यू पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा, देखो कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो में फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू तो है ही नहीं, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू एक ही बात है। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, सारे सम ऑफ हीट को डेल्टा डब्ल्यू बोलेंगे इसमें, तो ऐड कर दिया, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में बताया ना मैंने डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो होगा नहीं, तो वर्क डन और डेल्टा क्यू बराबर है, तो डेल्टा डब्ल्यू आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, क्यू पॉजिटिव, तो इसमें से जो जो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं डिवाइड करके आंसर। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको ये घर जाके ट्राई करना है, ये एफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, वर्क डन निकालना है नेट, वो तो आ जाएगा एरिया से, एरिया से नहीं आएगा किसी और तरीके से आएगा, नहीं आएगा एरिया से, ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, पीवी नहीं है, वीटी ग्राफ है, एरिया तो निकलेगा ही नहीं। तो इसका वर्क डन अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग ऐड करना पड़ेगा, फिर क्यू पॉजिटिव देखना पड़ेगा, कब क्यू पॉजिटिव है, एन सी डेल्टा टी लगा लगा के क्यू पॉजिटिव फिर डिवाइड करके आंसर। थोड़ा लंबा है, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है?